जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें शुभ आश्रव के कारण देख रहे थे। कल अपन ने देखा था कि हिंसा आदि जो हैं वो हमारे अनर्थ प्रयोग और निंदनीय कार्य में कारण बनते हैं, इसलिए उनको त्याज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये दुख के कारण हैं, आकुलता के कारण हैं, इस बात को भी देखा था। कल अपन लोगों ने हिंसा विरति पर और असत्य विरति पर विचार किया था। आज आचौर्य विरति पर विचार करते हैं। हमें किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए कि जो चोरी है वह हमारे लिए दुख का कारण कैसे होती है। हम किसी का धन अपहरण करते हैं या किसी की किसी प्रकार की वस्तु को चुरा लेते हैं तो उससे सामने वाला व्यक्ति को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और हमें दुख कैसे प्राप्त होगा, हमारे अंदर जो संशय बना रहेगा कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, इस प्रकार का जो हमारा परिणाम है वो हमेशा हमें दुख ही देता रहेगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि पर का धन जो हम अपहरण करते हैं उससे हमारी दुर्गति होगी, हमारे संक्लेश परिणामों से ही हमारा अशुभ कर्मों का बंद होगा, अशुभ आयु का बंद होगा, और जिसके कारण बहुत हमें यातनाएं सहन करना पड़ेंगी। बंधन सहन करना पड़ता है चोरी करने वालों के लिए। कोतवाल या सिपाही आदि के द्वारा पकड़े जाने पर बहुत प्रताड़ना प्राप्त होती है चोरी करने वाले के, इसलिए जो चोरी का विचार है वो हमें छोड़ देना चाहिए। अनुवृत्ति आदि जो हैं वो स्थूल रूप से चोरी का त्याग कर देते हैं, और जो महावृत्ति जो हैं वो संपूर्ण रूप से चोरी का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार का हम अपना चिंतन करेंगे कि हमें दुर्गति का पात्र नहीं होना है, क्योंकि पर धन जो है वो हमें महादुख का कारण बनेगा। बैर भाव यदि किसी व्यक्ति ने बांध लिया हमसे तो उससे भी हमें बहुत दुख की प्राप्ति हो सकती है। तो हमेशा विकल्प जो मन में बना रहता है कि मैंने इसका धन अपहरण किया है या इसकी वस्तु की कोई चोरी की है या किसी भी प्रकार से हम चोरी करते हैं, कोई ज्ञान की चोरी करता है, कोई धन की चोरी करता है, कोई वस्तु की चोरी करता है, कोई खेत की कोई क्षेत्र की अपहरण कर लेता है, ये सब क्या है, ये सब करने से हमारे मन में जो प्रति समय विकल्प बने रहते हैं वो विकल्पों से हमें बहुत दुख मिलता है, आकुलता बनी रहती है, और आकुलता का नाम ही दुख होता है। तो इनसे हमें दूर होना है, अपने अंदर किसी भी प्रकार का चोरी का भाव परिणाम बिल्कुल नहीं लाना है, तो हम आचौर्य व्रत वाले बन जाएंगे। यहाँ इस बात का हमें यही ध्यान रखना है कि चोरी की विरक्ति कैसे हो, इसका चिंतन हमें करते रहना है। 4वां नंबर आब्रह्म विरति विचार। जो आब्रह्म है, जो कुशील है, ऐसे जो परिणाम हैं और ऐसे जो कार्य हैं वो मुझे नहीं करना है, ये करना पर में रमण करना आदि ये सब क्या है, ये भी दुख के कारण हैं। क्षण भर के सुख के लिए मैं अपने शाश्वत सुख को छोड़ देता हूँ, इसलिए मुझे इस पर में नहीं जाना है, यह बुराई के प्रतीक हैं। और आब्रह्म जो है संसार में बहुत बुरा माना जाता है,
जो अनुव्रति हैं वो इसका नियम ले लेते हैं तो स्त्री में ही रहते हैं, और महाव्रति जो हैं वो सदा के लिए समस्त स्त्री आदि और पर में रमण करने का भाव समाप्त कर देते हैं। ऐसा विचार करना है कि आप ब्रह्म से मैं अपने स्वभाव से बहुत दूर चला जाता हूँ, पर में रमण करना का जो भाव है वह भाव ही अपने स्वभाव से दूर जाना है। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो भी अब्रह्म हो, जो कुशील परिणाम हो, वह बाहर निकल जाए, दूर हो जाए और उससे बच जाए। अब्रह्म जो है, कुशील जो है, महादुख का कारण है, नरकगामी जीव होता है, नरक में जाने वाला व्यक्ति होता है, त्रिंचादि दुर्गति को पात्र होने वाला जीव होता है और वहाँ भी महादुख को प्राप्त करता है, यातनाएं प्राप्त करता है। ये वासना, ये जो है, यह हमारे लिए अनंत संसार को पैदा करने वाला होता है। जन्मों जन्मों में हमें जो दुख की प्राप्ति इससे होती रहती है। शील का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने भावों में निर्मलता और विचारों में शुद्धि होना चाहिए, तभी हमारा ब्रह्मचर्य पालन होगा। तो इस प्रकार से अब्रह्म कुशील विरति का हमें विचार इस प्रकार से करते रहना चाहिए। परिग्रह पाप विरति का विचार हमें कैसे करना है कि जो परिग्रहवान जीव है सभी पापों को निमंत्रण देता है। परिग्रह पाप का जड़ है लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति कितने अनर्थ कार्य करने लग जाता है। हम लोभ के कारण ही तो सब संसार को अपना बनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, मुट्ठी में रखना चाहते हैं दुनिया को। तो ये क्या है, ये परिग्रह है, ये पाप का कारण बन जाता है, महादुख का कारण बन जाता है। महानुभाव, ये लोभ जो है आपका, कभी भी जो आप इसकी पूर्ति करना चाहेंगे ये पूर्ण होने वाला नहीं है। यह तो अग्नि में कितना भी ईंधन डालो वो डलता ही जाएगा और जल के नष्ट हो जाएगा, पर ईंधन समाप्त हो जाएगा लेकिन आपका लोभ समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए इच्छाओं को रोको, इच्छाओं की वृत्तियों को रोको। ममत्व का त्याग करना, मूर्छा का त्याग करने का नाम परिग्रह का त्याग करना है। अंदर से जब राग द्वेष मोह कम हो, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, तत्व का चिंतन करके, तत्व से वस्तु तत्व का निर्णय करें और निर्णय करके मैं कौन और मेरा कौन इस प्रकार का परिणाम देखें, तो आपका परिग्रह जो है वो छूटता जाएगा। तो इस प्रकार से परिग्रह जो है वो संसार में नियम से आकुलता देता है और आकुलता के कारण महादुख होता है। उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसको बढ़ाना, उसकी रक्षा करना, ऐसे कितने प्रकार के विकल्प सदा हमारे जीवन में बने रहते हैं। तृप्ति नहीं होती है, एक के बाद एक वस्तुएं बढ़ती जाती हैं और जीवन अंत आ जाता है और हम सब यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ छूटी है, छूट ही जाएगी, उससे इतना मोह क्यों, इतना राग क्यों, इतना उससे स्नेह और प्रेम और लगाव क्यों, इस प्रकार का जो विचार और चिंतन चलेगा तो क्या होगा, वो सब छूट जाएगा। बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा, महायोद्धा सब आए, इन्होंने कितना सब कुछ वैभव इकट्ठा किया और वैभव को से संपन्न होते हुए भी उनको इस संसार से जाना पड़ा। इसका मतलब है कि सब परिग्रह हमारा जो हमने बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक, छल कपट मायाचारी से इसको इकट्ठा किया है, ये सब के सब यहीं पर छूट जाता है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें बुद्धिपूर्वक जो हमें प्राप्त हुआ है या हमें पुण्य से प्राप्त हुआ है, हम उससे भी अपने को अभाव करें और अपने स्वभाव में जाएं। इस प्रकार का विचार करते हुए हम परिग्रह पाप की विरति से दूर हो सकते हैं, हम परिग्रह को छोड़ सकते हैं और अपरिग्रह जैसे महाव्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। श्रावक जो है परिग्रह का परिमाण बनाए, विचार करें, पहले परिग्रह का परिमाण बनाए, जितना जीवन में जी सकता है, जितना उसकी आवश्यकताएं हो में अपना जीवन जी सकता है उतना ही वो परिग्रह रखे, बाकी सब परिग्रह का त्याग कर दे। और मुनिराज जो हैं अपने पिछली कमंडल शास्त्र के अलावा समस्त परिग्रह का त्याग करके अपने ध्यान और साधना में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से ऐसा हमें विचार करेंगे तो हमारा परिग्रह जो है पूर्ण समाप्त हो जाए। मैत्री प्रमोद, मैत्री प्रमोद।
कारुण्य माध्यस्थानी चासत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ और इस सूत्र का और बोर्ड के माध्यम से उच्चारण, संधि विच्छेद और इसका अर्थ समझते हैं। सप्तम अध्याय का सूत्र नंबर 11, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्माना विनयेषु। ठीक है, फिर देखिए एक बार, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्माना विनयेषु। ये सूत्र का उच्चारण होगा। अब देखिए क्या लिखा है, मैत्री पहली भावना लिखी है, मैत्री प्रमोद दूसरी भावना है, प्रमोद कारुण्य तीसरी भावना है, कारुण्य माध्यस्थानी माध्यस्थ ये चौथी भावना है। ये पूरा एक पद बन गया इसलिए इसको बहुवचन बना दिया, माध्यस्थानी चा मतलब और, ठीक है ना। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ ये चार भावनाएं हैं। मैत्री किससे करना है, तो सत्व, सत्व सत्व मतलब होता है जीव, जीवों पर प्राणियों से क्या रखो, मैत्री भाव, प्राणियों पर मैत्री भाव रखना। प्रमोद, प्रमोद किससे करना है, प्रसन्नचित किससे रहना है, प्रमोदित भाव किससे रखना है, तो गुणाधिक जो गुणों से अधिक हैं, हमसे गुणों से जो अधिक हैं उनसे प्रमोद भाव, प्रमोदित भाव हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, हर्षित हो जाना चाहिए ऐसे जीवों से। कारुण्य करुणा भाव किस पर होना चाहिए, तो क्लिश्यमाना, क्लिश्यमान क्या निकलेगा यहाँ पर, क्लिश्यमान जो दुखी हैं, जो संतापित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, कष्टमय जीवन जी रहे हैं, ऐसे दुखी जीवों के प्रति कारुण्य करुणा का भाव होना, करुणा का परिणाम होना, ये कारुण्य भावना है। और इससे निकलेगा अविनेशु, अविनेशु विनय, विनय के आगे आ लग जाएगा तो अविनय, तो अविनय पर जो अविनयवान जीव हैं उन पर क्या होना चाहिए, माध्यस्थ, तो माध्यस्थ किससे होना है, अविनय जो अविनय जीव हैं, जो विनयवान नहीं हैं, जो कुछ समझने को तैयार नहीं हैं, जो सत्मार्ग में नहीं चलते हैं, सच्चे मार्ग को झूठा कहते हैं, ऐसे अविनय वाले व्यक्तियों पर कैसे होना है, अपन को माध्यस्थ हो जाओ, उनसे न राग न द्वेष, ऐसा माध्यस्थ भावना। बहुत सुंदर तरीके से समझिए, मैत्री भावना प्राणियों पर सत्व, प्रमोद भावना प्रमोदित भावना, प्रसन्न भावना हर्ष भावना, गुणाधिक गुणी जो अपन से अधिक हैं उन पर, कारुण्य भावना क्लिश्यमाना जो दुखी जीव हैं उन पर करुणा भाव, और जो अविनेशु, अविनेशु जो अविन वाले जीव हैं जिनको धर्म के प्रति लगाव नहीं है, विनय भाव नहीं है, उनके प्रति माध्यस्थ भाव क्या होना, मध्यस्थ भाव हो जाना, राग द्वेष नहीं करना। इस प्रकार से ये चार भावनाएं भी हमारे व्रतों को, हमारे आचरण को दृढ़ करती हैं। नवोस्तु आचार्य श्री, ये जो 11वें नंबर का सूत्र है इसमें जो चार प्रकार की भावनाएं बताई हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थानी, तो ये चार भावनाएं सामायिक पाठ में पढ़ने को भी मिलती हैं, तो क्या ये चारों भावनाएं सामायिक पाठ के काल में ही भानी चाहिए या कभी भी भा सकते हैं। अमित गति आचार्य द्वारा जो सामायिक पाठ लिखा हुआ है, सत्वेषु मैत्रीं गुणसु प्रमेदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, इस प्रकार से माध्यस्थ भाव, तो ये चारों के चारों भाव जो हैं वो सामायिक पाठ में दिए हैं। सामायिक काल में तो यह चिंतन होना ही चाहिए, जिस समय हमें समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, कहीं कोई शत्रु का परिणाम न हो, जो गुणीजन हैं उनके गुणों से
हमें अनुराग हो, उनके गुणों में हमारी भक्ति हो, यह परिणाम हो, और समस्त प्राणी हैं जगत में उनके प्रति जो है हम कारुण्य भाव रखें, उनका भी कल्याण हो, उनका उद्धार हो, ऐसी करुणा की बुद्धि हमारी हो। माध्यस्थ जो अविनी हैं अर्थात जो धर्म से विमुख हैं उनके प्रति माध्यस्थ का परिणाम हो। तो ये समता काल का समय है, इस समता से हमारे जो परिणाम हैं, जो अशुभ परिणाम हैं, अशुद्ध परिणाम है, वो शांत होते हैं, विशुद्ध परिणामों की जागृति होती है। तो कहा सामायिक काल में तो इनका चिंतन होना ही चाहिए, लेकिन मात्र सामायिक काल के लिए भावनाएं हैं ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए हम सामायिक काल में ऐसी भावना भाते हैं तो हम चार्ज हो गए और फिर हम पूरे अन्य समय में भी यह भावना हमारी जागृत रहे। हम जितने बहुत शांत स्वभाव से इन भावनाओं का चिंतन और ध्यान करेंगे तो अन्य काल में भी ये भावनाएं हमारे अंदर चलती रहेंगी, ठीक है ना। जैसे अपन ने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया या बैटरी चार्ज हो गई, मोबाइल चार्ज हो गया, अब चार्ज हो जाने के बाद कितने घंटे तक आप उसको उपयोग कर सकते हैं उसकी बैटरी का, ऐसे ही हमने अपने आप को इन भावनाओं को सामायिक काल में से अपनी आत्मा को चार्ज कर लिया। अब बाकी समय प्रमाद अवस्था में, अन्य अवस्था में, प्रवृत्ति अवस्था में, उस समय भी हमारी यह मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण भाव बनी रहे। तो इस प्रकार से सामायिक काल का जो चिंतन है वो अद्भुत है, अचिंतनीय है, अद्वितीय है, और उस समय करना ही चाहिए। और अन्य समय में उसका प्रैक्टिकल, अन्य समय में हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई शत्रु भी आ जाता है तब भी हम स्नेह रखते हैं, उससे मैत्री का भाव रखते हैं। कोई जीव दिखता है प्रवृत्ति काल में तो हम उसकी संरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उस पर अभयदान देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे प्रैक्टिकल में आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भावनाएँ बहुत सुंदर हैं, सामायिक काल और सामायिक काल के बाद भी हमें क्रियान्वित करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है वृत्ति के चिंतन योग अन्य भावनाएं, जो हमने भावनाएं पहले पढ़ी उसके अलावा जो ये भावनाएं मैत्री प्रमोद आदि हैं ये वृत्ति के लिए चिंतन करने योग्य हैं। क्या लिखा है, पहले मैत्री प्रमोद कारुण और माध्यस्थ चार चीज लिखी हुई हैं। मैत्री के नीचे क्या लिखा है, दूसरों को दुख ना हो ऐसा भाव, दूसरों को दुख ना हो। और जो जीव हैं नीचे लिखा हुआ है किन के लिए दुख ना हो, सत्व चार गति के सर्वजीवों, चार गति के जो सर्वजीव हैं उनके प्रति मेरा मैत्री भाव हो, मैत्री का परिणाम हो। इस प्रकार का जो भाव है वो मैत्री भाव है। प्रमोद भाव प्रसन्नता के साथ भक्ति और अनुराग, प्रसन्नता के साथ प्रमोदित मन होकर के भक्ति करना, अनुराग रखना, किस पर रखना, तो नीचे लिखा हुआ है गुणी जन, कौन गुणी जन, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से अधिक हैं, ऐसे गुणी जन जो धर्मात्मा हैं, जो चारित्रवान हैं, जो तप आदि को धारण किए हुए हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि ऐसे अनेक जिनके गुण हैं, धर्म के गुण हैं, प्रकट हैं, ऐसे गुणी जनों को, ऐसे रत्नत्रधारियों को, ऐसे साधु त्यागी व्रति शैमी मुनिराज व्रति, इनको देख करके प्रश्नचित हो जाना। हमारे सामने कोई प्रतिमाधारी आ जाए, कोई इलक छुल्लक आ जाए, मुनिराज आ जाए, तो मन प्रसन्नचित हो जाना, आह्लाहित हो जाना, आनंदित हो जाना, ये प्रमोद भाव है। कारुण्य, कारुण्य में लिखा है दया, कारुण्य का अर्थ होता है दया। किस पर दया, दीन दुखी वृद्ध आदि मोह अभिभूत, जो मोह से बहुत अभिभूत हैं, मोही जीव हैं, रागी देसी जीव हैं, उन पर भी दया आना चाहिए कि ये कब मोह छोड़ेंगे, कब राग छोड़ेंगे, कब संसार के प्रति आसक्ति छोड़ेंगे, कब विषय वासनाओं को ये तोड़ेंगे, इस प्रकार का भी जो परिणाम है वो दया का परिणाम है। जो बहुत दुखी हैं, दीन दुखी हैं,
और असहाय हैं उन प्राणियों पर भी क्या रखना, कारुण भाव रखना, करुणा भाव रखना। ऐसे कितने जीव संसार में हैं जो दुख भोग रहे हैं, उनके प्रति अपने परिणाम जो हैं वो दया का, करुणा का, उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो। आचार्य परमेष्ठी लेखन करते हैं, हम पर करुणा, हम दीन दुखी हैं, हम पर उन्होंने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, कैसे उद्धार होगा। तो न जंगलों में बैठ करके ग्रंथ लिखे, करुणा भाव से कहे सीख गुरु करुणा धार, बहुत करुणा को धारण करते हैं तो सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ये सब मोही हैं, ये संसार में फंसे रहेंगे, ये कैसे अपना कल्याण करेंगे, कैसे मिथ्यात्व को छोड़ेंगे और सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए उन्होंने करुणा भाव से शिक्षा उपदेश आदि दिया। माध्यस्थ, माध्यस्थ में क्या लिखा है, राग द्वेष पूर्वक पक्षपात ना करना, इसका नाम है माध्यस्थ। आप किसी से चुपचाप हो जाओ लेकिन अंदर राग द्वेष चल रहा है, किसी के प्रति आप मौन ले लो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, चुप रहूँगा, मौन रहूँगा, पर अंदर तो क्या चल रहा, ओवाल चल रहा है, समय आने दो, मौका आने दो, बाद में बताएंगे हम आपको, ये माध्यस्थ भाव नहीं है। माध्यस्थ की कंडीशन है क्या लिखा है, देखिए, ना राग ना द्वेष, कोई पक्षपात नहीं होना, उसके प्रति बिल्कुल मध्यस्थ होना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब हम आपके किसी प्रकार के बीच में नहीं पड़ेंगे, हमने आपको समझाया, हमने आपको बताया, पर आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, गलत मार्ग में ही लगे हुए हैं, तो फिर अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब आपके प्रति हम मध्यस्थ भाव हैं। तो किन के प्रति मध्यस्थ होना है, तो नीचे लिखा हुआ है अविनयी, जो विनयवान नहीं है, किसके प्रति, जिनवाणी सुनने का गुण नहीं है, दर्शन करने का गुण नहीं है, जो हटाग्री हैं, दुराग्री हैं, मिथ्यात्वी हैं और महामोह अभिभूत हैं, जो महामोह से, दर्शन मोहि से, मिथ्यात्व से अभिभूत हैं, ऐसे जीवों पर क्या हो जाना, मध्यस्थ हो जाना। जो बहुत कषायी जीव हैं, जो बहुत क्रोधी मानी जीव है, जो बिल्कुल बुरी आत्मा हैं, जो पापी आत्मा हैं, इनसे क्या हो जाना, बिल्कुल मध्यस्थ हो जाना, न राग और न द्वेष करना, ये चार ऐसी भावनाएं। नमोस्तु आचार्य श्री, हर व्यक्ति और जीव के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो हमारे को गुणों से प्यार करना है या फिर कोई विशेष बात है? हर जीव में किसी न किसी प्रकार का कोई विशेष गुण होता है जो संसार में हमको दिखाई देता है। जैसे कोयल है तो उसको बोलने का कितना सुंदर मीठा बोलती है, वो भी उसका एक गुण है। ऐसी किसी को देखने का गुण, किसी को सुनने का गुण, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हैं तो शराबियों में कितना अच्छा गुण है कि एकता का, एक साथ बैठ करके खा पीना, ये भी एक गुण उनके अंदर है। जुआड़ियों पर गुण है जो जुआ खेलते हैं, सर्वस्व लुटाने का गुण है। पर यहाँ पर अभी इन गुणों की बात नहीं चल रही है और ना ही हमें ऐसे कोई गुण यहाँ पर लेना है। यहाँ जो गुण बात चल रही है, धर्मात्माओं में सम्यक दर्शन आदि जो गुण हैं उनकी बात लेना है, ठीक है ना। यहाँ मिथ्या दृष्टियों में कोई गुण है उनकी बात नहीं चल रही है, धर्मात्मा में सम्यक दृष्टियों में जो गुण होते हैं उन गुणों में हमें प्रेम हो, हमें सम्यक दर्शन रूपी गुण से प्रेम हो, सम्यक ज्ञान रूपी गुण से प्रेम हो, सम्यक चारित्र रूपी गुण से प्रेम हो, हमें उन गुणों से प्रेम है। आपकी तपस्या का जो गुण है उससे प्रेम है, आपके अंदर जो संयम का गुण है उससे प्रेम है, आप में आनंद का जो गुण है, आप में सुख का जो गुण है उससे प्रेम है। तो हम जिस गुणों से प्रेम करते हैं उनको अपने में प्रकट भी करना चाहेंगे। यदि हम बुरे गुणों को अंदर ले आएंगे तो वो बुरे गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगे। हमें अवगुण वाली बात यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ पर जो बात चल रही है धर्मात्माओं में जिस प्रकार के श्रेष्ठ गुण होते हैं, ज्येष्ठ गुण होते हैं, उन गुणों को अपने में भी प्रकट करें। इसलिए हम प्रमोदित हैं, इसलिए हम प्रसन्नचित हैं कि गुणी जनों को देख करके हम खुश हो जाते हैं, हम हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं कि ऐसा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कितनी सुंदर भावना मेरी भावना में कही है कि जब भी गुणी जनों को देखूं तो मेरे अंदर प्रेम उमड़ आए। तो वहाँ कौन से गुणी जन की बात कह रहे हैं, धर्मात्मा जो रत्नत्रयधारी हैं, व्रती हैं, संयमी हैं,
ऐसे गुणीजनों को देख करके प्रेम उमड़ आवे, मेरे अंदर उनके प्रति भक्ति करने का, उनकी सेवा करने का, उनका सहयोग करने का, उनकी साधना में साधक बनने का प्रेम मेरे अंदर उमड़ आता है, यह भाव यहाँ पर रखना है। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं व सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।